हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शार्दुल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने फर्स्ट क्लास जो ली थी, जो इससे पहली क्लास थी, उसमें हमने मोर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको मेंस के, नीट के, एडवांस के क्वेश्चन भी करवा दिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जो पुराने भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे और वीडियो बनाने का। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसका नाम है #equivalent weight। ठीक है बेटा, #टैग लगा दिया हमने क्योंकि ट्रेंड में है आपका। अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। पता है किसी को इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो सुनो बैठ के। अब सुनो बेटा, एक ग्राम हाइड्रोजन से किसी भी एलिमेंट का जितना वेट कंबाइंड होगा, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ डेट एलिमेंट। आ गया समझ में? नहीं आया, दोबारा सुन लेना, मैं लिख दे रहा हूं। तो क्या था आपका? इट इज द अमाउंट ऑफ वेट, द मास लिख देना, चलो द मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डेट कंबाइंड विथ डेट कंबाइंड विथ वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। किसी भी एलिमेंट का वो मास जो एक ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देखो, अगर मैं यहाँ पर NaH बनाता हूँ, ठीक है, क्या बनाया मैंने? NaH। तो देखो सोडियम का मास कितना होता है? 23, हाइड्रोजन का 1, तो 1 ग्राम, तो क्या लिखोगे? 23 ग्राम सोडियम इज कंबाइंड विथ किसके साथ? इज कंबाइंड विथ वन ग्राम हाइड्रोजन। देयरफोर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना इज 23। एक ग्राम हाइड्रोजन से जितना वेट कंबाइंड होगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल देख लो बच्चा। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा CaH2, ठीक है, इसका कितना है? 40 है, इसका कितना है? 2। अब देखो सुनो, 40 ग्राम कितने से कर रहा है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइंड हो रहा है आपका? 40 ग्राम से। 1 ग्राम कितने से होगा? 1 ग्राम होगा आपका 40/2, मतलब 20। तो 20 ग्राम कैल्शियम कितने से हो रहा है? 1 ग्राम हाइड्रोजन से। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा 20। किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका इक्विवेलेंट वेट। आगे बात समझ में आ तक, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लें आप, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, डेफिनेशन भी कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पे बेटा, हमने यहाँ पर अगर लिख दिया तुम्हारा क्या, हमने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने H2O। अब मुझे फटाफट बताओ ऑक्सीजन का क्या बताना है? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो यहां पे देखो ये 2 है और ये कितना है? 16। तो देखो 2 ग्राम 16 से हो रहा है, 1 ग्राम कितने से होगा? 8 से होगा। तो कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट? 8 हो गया। आगे ना बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा। किसी भी एलिमेंट का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। अब कहोगे सर हम सबका क्या ऐसे निकालते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें इसका फॉर्मूला भी गिवन है। फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला समझ लो इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट क्या लिखा मैंने? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाई एन फैक्टर बोलते हैं इसको, या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, या चार्ज फैक्टर बोलते हैं।
अब कहोगे सर ये एन फैक्टर क्या भला है, तो फिक्र मत करो, हम हैं, अभी तुम्हें बताएंगे कि एन फैक्टर क्या है, ठीक है बेटा। तो अगर तुम्हें किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करोगे, उसका मोलर मास जो कि तुम्हें पता होता है अपॉन एन फैक्टर, वो भी अभी पता चल जाएगा। रब कर दूं मैं ये पूरी डेफिनेशन लिख लो। तो क्या कहा मैंने इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या है, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो एक ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डेट एलिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ एन फैक्टर, क्या डिटरमिनेशन ऑफ एन फैक्टर का डिटरमिनेशन। अब सुन लो बेटा बहुत ध्यान से, क्या सुनना है तुम्हें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फॉर एलिमेंट्स के केस में। तो मेरे बेटा एलिमेंट के केस में एन फैक्टर क्या था, फॉर एलिमेंट एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी। अगर तुम्हें एलिमेंट गिवन है तो एलिमेंट की वैलेंसी भी होगी, वो तुम्हें पता होगी, वही तो उसका एन फैक्टर है। देखो कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर सोडियम, एग्जाम्पल लेता हूं मैं सोडियम एन ए, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बताओ कि कितनी होती है, कितनी, वन। हाँ वैलेंसी वन है तो एन फैक्टर भी वन हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मोलर मास, और मोलर मास कितना होता है इसका, इसका मोलर मास होता है 23, और अभी देखा था हमने 23 तो आया था इसका इक्विवेलेंट वेट। ऐसे देखो यहां लिखा मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल, यहां लिखा मैंने सेकेंड। मैग्नीशियम की बात करता हूं बेटा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 2s की, और तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, यही तो n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, n फैक्टर भी 2 हो गया, जितनी वैलेंसी उतना n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, मोलर मास बाई 2, और मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास होता है 24/2 = 12। तो मोलर मास 24 था, वैलेंसी से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया इक्विवेलेंट मास, क्लियर। ऐसे हम बात करें तीसरा एग्जांपल, देखो बेटा हमने यह कैल्शियम लिख दिया, इसकी वैलेंसी कितनी है, जल्दी बताओ जल्दी, इसकी वैलेंसी भी 2 है, एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर 2 हो गया, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 40/2 = 20। अभी देखा था एग्जाम उसमें भी, जब हमने डेफिनेशन से बताया था तब भी तो 20 आया था ना, ठीक है ना, लिखो इसको फटाफट, समझ में आ गई होंगी तुम्हारे। तो अगर एलिमेंट है तो उसका एन फैक्टर, ये एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं या चार्ज फैक्टर भी बोलते हैं, तो कितना होगा उसका एन फैक्टर, 1 होगा। ऐसे ध्यान से देखो, हम बात करेंगे इसकी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का तो खुद 1 होता है, खैर हम बात कर देंगे इसी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पे कितना था, 2-, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का तुम्हारा हो गया 2, एन फैक्टर कितना हो गया, जितनी वैलेंसी है एन फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट तुम्हारे पास हो गया मोलर मास बाई 2, मोलर मास 16/2 कितना हो गया, 8। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैलेंसी तो पता है तुम्हें, ठीक है बेटा। अब यही अगर ये O2 होता, 2 O होते, तो एन फैक्टर कितना हो जाता, 4 हो जाता, सिंपल सी बात है, एक का अगर 2 है तो 2 का कितना होगा, 4 होगा, बस इतनी सी बात थी। तो एलिमेंट का तो समझ में आ गया होगा बेटा, एलिमेंट का आ गया ना समझ में। अब सेकंड हम बात करते हैं एसिड का, कॉपी कर लिया होगा तुमने, ये नहीं करा था तो पीछे कर लो वीडियो को, ये तो आसानी है तुम्हारे लिए कि वीडियो में तुम वीडियो पीछे करके दोबारा सुन सकते हो, जब चाहो तब सुन सकते हो। और बेटा हाँ, हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं 9th, 10th, 11th, 12th की, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर हमें कॉल करे, ठीक है बेटा। इसकी फीस भी बहुत कम होगी, पूरा कोर्स आपका, पूरा कोर्स लाइव होगा, जो डाउट हो, वीडियो में दिक्कत ये आती है कि डाउट बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, तो वहाँ पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि बताओ, तो वहाँ तुम मुझे बता भी पाओगे कि समझ में आया या नहीं आया। बहुत जल्द हम ये डाउट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, नॉट डाउट क्लासेस, कंप्लीट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासेस का, ठीक है बेटा। आपको आपकी आईडी दी जाएगी और एक टाइम बताया जाएगा जिसमें डेली आपकी लाइव क्लास होगी, और डेली आपसे बिल्कुल मेरा ऐसे जैसे हम बात करते हैं क्लास में बैठ के, वैसे बात होगी, जो पूछना है वहां पर आप पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो तो आती रहेंगी लेकिन वो आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी, पूरा कोर्स आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। फीस भी बहुत नॉमिनल होगी, 9th का भी, 9th, 10th, 11th, 12th और ड्रॉपर, तीनों हम ये सब बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा, ये बात फैला दो सब में, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉन्टेक्ट करें।
अब हम बात करने वाले हैं किसके लिए, फॉर एसिड, फॉर एसिड। तो बेटा एसिड, एसिड के केस में कोई पूछे एन फैक्टर क्या होगा तो क्या बताओगे तुम? एसिड के केस में एन फैक्टर होता है बेटा नंबर ऑफ आयोनाइजेबल एच प्लस आइन। जी हाँ, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल एच प्लस आइन, या नंबर ऑफ डिसोसिएबल एच प्लस आइन, या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आइन, एक ही तो बात है। अब सुनो मतलब क्या हुआ इसका, अगर तुम्हारे, हम एग्जांपल देख लें बेटा जी, तुम्हारे पास HCl है, तुमने HCl को पानी में डाला, ये कैसे ब्रेक होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसे ही तो ब्रेक होगा। HCl को जब पानी में डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, होगा या नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। तो कितने H प्लस निकले? एक H प्लस निकला, तो N फैक्टर कितना हो गया? वन। N फैक्टर वन हो गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? मोलर मास बाई वन, ठीक है, तो मोलर मास हो गया। अब सुनो ध्यान से, वो एसिड जो एक एच प्लस देगा, ये कह सकते हो वो एसिड जिसका एन फैक्टर वन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड या फिर मोनो प्रोटिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड या मोनो प्रोटिक एसिड, प्रोटिक तो समझ गया, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन निकल रहा है। अब कौन सा बेसिक क्यों बोल रहे हैं, ये तो एसिड है, बेसिक क्यों बोला हमने? तो एक बात याद रखो बेटा कि एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिसिटी में मेजर करी जाती है, मतलब कि ये एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। एक एच प्लस निकल रहा है तो मतलब ये एक ओ एच के साथ तो कंबाइंड होकर उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? एक OH को न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रेंथ है इसकी, तो ये मोनो बेसिक एसिड हो गया, ये एक OH को न्यूट्रलाइज कर देगा। दो H प्लस निकलते तो दो बेस को न्यूट्रलाइज करता, तो क्या होता? डाई बेसिक एसिड। क्लियर? ऐसे ही देखो ध्यान से, हमने यहां पर लिखा आपका H2SO4, H2SO4 को जब पानी में डालोगे तो ये क्या देगा बेटा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने H निकले? 2H प्लस निकले। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा? इक्विवेलेंट वेट हो गया m/2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड, ठीक है बेटा। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा H3PO4, क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। इसको जब मैंने पानी में डाला, इसने 3H+ दिए प्लस PO4 3 माइनस, कितने H प्लस दिए? 3, तो N फैक्टर कितना हो गया? 3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा? इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका m/3। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्राई बेसिक एसिड। कौनो प्रॉब्लम, कौनो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? बहुत अच्छी बात, लिखो, कॉपी कर लो इसको फटाफट, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। देखो बेटा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा तुम्हारा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब फॉस्फोरस एसिड को जब पानी में तुम डालोगे तो ये क्या देगा? ये तुम्हारा देगा 3H+ ये देगा 2H+ HPO3 2-, तो ये बात याद रखो, ये फॉस्फोरस एसिड है। फॉस्फोरस एसिड पानी में डालने पे कितने देता है? 2H+ देता है, याद रखो। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? कितना हुआ बताओ? 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसका? इक्विवेलेंट वेट हुआ m/2। ये क्या हो गया बेटा? डाई बेसिक एसिड, ठीक है ना। अब सुन लो ध्यान से, तुम्हें कैसे पता चलेगा किसके 2 हैं किसके 3 हैं? अगर फॉस्फोरस का एसिड है, दिख जाएगा आंखों से, आंखें सबके पास हैं, अल्लाह का शुक्र है। फॉस्फोरस एसिड है तो उसमें जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम उसका इन्फेक्टर होगा, कोई भी एसिड हो सकता है। और अगर 4 ऑक्सीजन थे तो इन्फेक्टर 3 था, अगर आपके ऑक्सीजन कितने थे? 3 थे, तो इन्फेक्टर 2 होगा। ये रीजन होता है कि स्ट्रक्चर की वजह से, जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है वो सुन लो ध्यान से, जब हम फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ये होता है। सुन लो बेटा ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा जब भी फॉस्फोरस का कोई भी एसिड है, एक ऑक्सीजन तो उसके सर पे डबल बॉन्डेड लगाओगे। अब क्या हुआ, जब एक डबल बॉन्डेड लगा दिया, 3 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, ये लग गए, और वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जो ओ से लगा हुआ होता है। यहां से ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। लेकिन मैं बात करता हूं, अगर
फोरस की, तो एक ऑक्सीजन तो लगा दिया, उसके बाद देखो क्या हुआ, दो ऑक्सीजन बचे, दो ऑक्सीजन को मैंने एच के साथ लगा दिया, एक एच अकेला लगेगा, जो अकेला एच है वो आयोनाइजेबल नहीं है, सिर्फ दो एच आयोनाइजेबल हैं, समझ में आ गई तो बात बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो और भी अच्छी बात, पढ़ने ही नहीं हमें इन चक्करों में, ये जब आएगी बात तब देखेंगे, ये पी ब्लॉक में आएगी बात, ट्वेल्थ में पी ब्लॉक में, तो वो तब देखेंगे, अभी इतना याद रखो कि ये ट्राई बेसिक था वो डाई बेसिक था। ट्रिक क्या थी मैंने बता रखा है, जितने भी अगर कोई भी फॉस्फोरस का एसिड है, क्या कहा मैंने, अगर कोई भी फॉस्फोरस का एसिड है तो जितना ओ होंगे उससे कम उसका एन फैक्टर भी होगा, क्लियर। और सुनो ध्यान से, ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा आपका COH, ये क्या था, ये था आपका ऑक्सैलिक एसिड को जब पानी में डालोगे तो क्या दे देगा ये CO-, ठीक है बेटा, प्लस 2H+, एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका M/2। बेटा देखो ये क्या था, ये था एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड विदाउट वाटर, एक ऑक्सैलिक एसिड आपका होता है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, मतलब वहां पर दो H2O लगे होंगे, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। तो ये कहानी याद रखो, ये कहानी सुन लो, और ये जो ऑक्सैलिक एसिड है दो टाइप का होता है, कैसा, एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, पानी नहीं है उसके अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, मास जो निकलेगा इसका निकलेगा, लेकिन अगर बोल दिया गया क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड तो मोलर मास इस पूरे का निकलेगा, क्योंकि अब ये पूरा एक कंपाउंड है, जब पानी में डाल दोगे इसको तो ये ब्रेक वैसे ही होगा 2H+, और पानी तो पानी में मिल गया, एन फैक्टर तो इसका भी 2 है, इक्विवेलेंट वेट इसका भी M/2 है, लेकिन क्या इसका मास और इसका मास सेम है, बोलो क्या इसका मास और इसका मास सेम है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें H2O नहीं है, दो यहां पर दो H2O है, तो याद रखना अगर कभी भी इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है ऑक्सैलिक एसिड का तो क्वेश्चन में गिवन होगा क्रिस्टलाइन है या एनहाइड्रस है, और अगर कुछ नहीं गिवन तो क्रिस्टलाइन मानना है मुझे, समझ गए, बहुत अच्छी बात, लिख लो उसको फटाफट, ठीक है। अब एक कहानी और सुन लो, बोरिक एसिड, नाम तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुन लो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा आपका ये H3BO3, कैरम तो खेलते हो गए, कैरम देखा है, खेलना आता है कैरम, कैरम को चिकना करने के लिए स्मूथ चले तुम क्या करते हो, पाउडर डालते हो, वो पाउडर क्या होता है, बोरिक होता है, ये वही तो है बोरिक एसिड, ले जाओ और कैरम खेलो, बोरिक एसिड याद रखो, बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है और इक्विवेलेंट वेट होता है M, 1 क्यों होता है वो बात की बात है, बताएंगे जरूर तुम्हें, ठीक है। फिलहाल तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में वो ध्यान रखो, इसका एन फैक्टर कितना था, 1 था। बेटा सुन लो ध्यान से, एन फैक्टर जितने मैंने लिखवा दिए हैं ज्यादातर 99% यही यूज होते हैं, इसको जहन नशीन कर लो, मेमोराइज कर लो, समझ गए बात, लिख लो इसको फटाफट। अब हम बात करते हैं फॉर बेस, बेस बेस, ठीक है, फॉर बेस। अब मुझे ये बता दो जरा, बेस की केस में एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH- साइन, आयोनाइजेबल OH- साइन, ठीक है, एसिड में H प्लस था, यहां पर क्या हो गया OH- साइन, यहां लिखा मैंने एग्जाम्पल NaOH, NaOH को तुमने पानी में डाल दिया, क्या मिलेगा Na+, OH- कितने मिले OH- 1 मिला, एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मोलर मास बाई 1, ये क्या हो गया बेटा, मोनो एसिडिक बेस। अब तुम समझदार हो, समझ गए होगे, मतलब वो बेस जो एक एच प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, एक ही तो निकलना है OH, तो ये एक एच प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, ऐसे ही देखो यहाँ लिखा मैंने CaOH होल ट्वाइस, इसको पानी में डाला मैंने, ये क्या करेगा बेटा, ये आपका Ca2+ + 2OH-, ठीक है, कितना निकला OH, 2 निकले, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया M/2, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया डाई, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका बेटा डाई, क्या था, डाई एसिडिक,
डाई एसिडिक बेस, इतनी बात समझ में आ गई आपके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डाई एसिडिक बेस क्लियर हो गया तब? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ा जाए आप, आगे बढ़ते हैं ना आप, चलो आप आगे बढ़ते हैं हम। बेस में याद रखना कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, जितने OH हैं वो आयनाइजेबल होंगे नॉर्मली, और आपको क्या हो जाएगा, एंट्रेक्टा मिल जाएगा। क्लियर, ये रब कर दे रहे हैं, अब इसको रब करते हैं हम। अब हम बात करते हैं फॉर सॉल्ट। अब सॉल्ट का केस आप समझ लें बेटा, सॉल्ट के केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखो बेटा, फॉर सॉल्ट बेटा, अगर सॉल्ट है और सॉल्ट का एन फैक्टर पूछा जा रहा है तो क्या होगा, एन फैक्टर इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, एनाइन या कैटाइन पे आपको क्या कर देना है, टोटल चार्ज देख लेना है बस, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसा करा, हमने यहाँ लिखा NaCl को जब तुमने क्या करा, पानी में डाला, ये ब्रेक हुआ Na+, Cl-, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा, मोलर मास बाई 1। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा CaCl2, इसको जब मैंने पानी में डाला, ये ब्रेक हुआ Ca2+, प्लस 2Cl-, पॉजिटिव चार्ज 2, नेगेटिव चार्ज भी तो 2 हो गया, एक पे एक है तो 2 पे 2 हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया 2, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट हो गया आपका M/2। क्लियर, बहुत अच्छी बात। ऐसी देखो बेटा, यहाँ लिखा मैंने आपका K2SO4, जब मैंने इसको पानी में डाला 2K+, प्लस SO4 2-, पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2, यहाँ पर भी एन फैक्टर 2 हो गया, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट हो गया M/2। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चाहे तुम चार्ज कैटाइन पे देख लो, चाहे चार्ज एनाइन पे देख लो, सेम होगा, हमेशा सॉल्ट में चार्ज बराबर होगा कैटाइन एनाइन का। और एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल को समझो फटाफट। हमने यहाँ पर लिखा आपका, क्या लिखा, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको जब मैंने पानी में डाला तो 2 एल्यूमिनियम थे, एक एल्यूमिनियम पे 3+, 3 सल्फेट थे, एक सल्फेट पे कितना होगा 2-, टोटल कितना हो गया बताओ जल्दी, एन फैक्टर कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6, नेगेटिव भी कितना हो गया 3 × 2 = 6, एन फैक्टर कितना हो गया 6, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया M/6, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, शाबाश। ऐसे देखो यहाँ लिखा मैंने KCl.MgCl2.6H2O, इसका नाम क्या है, कार्निलाइट, ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट वो जो दो सॉल्ट से मिलके अभी एक ही कितना बिहेव कर रहा है, लेकिन थे क्या इसके अंदर, दो सॉल्ट मिक्स हैं, इसको तुमने पानी में डाला K+Cl-Mg2+2Cl-, पानी तो पानी में मिल गया, पॉजिटिव देखो कितना है बेटा, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, टोटल कितना हो गया 3, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, टोटल कितना हो गया 3, तो एन फैक्टर इसका हो गया कितना 3, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा हो गया कितना M/3, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही एक और देखो, यहाँ लिखा मैंने आपका NH4 whole twice SO4 dot SeSO4 dot 6H2, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है मोहर सॉल्ट, ये भी तो डबल सॉल्ट है, एक सॉल्ट ये, एक सॉल्ट ये, इसको जब तुम पानी में डालोगे तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, ये तुम्हें मिलेगा यहाँ पर 2 NH4+ SO4 2-, SC2+ SO4 2-, एन फैक्टर कितना हो गया, देखो 2 ये 2 ये, एन फैक्टर हो गया 4, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, वो हो गया M/4। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, कॉपी करो फटाफट, जल्दी 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 कॉपी कर लो इसको, कर लिया कॉपी, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करने वाले हैं एक लास्ट एग्जांपल इसकी, उसको भी देख लो ध्यान से,
ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा बेटा, क्या लिखा, Al2SO4 whole thrice dot K2SO4, यहाँ पर आपका लिखा 24H2O, क्या बोलते हैं इसको, पोटैश एलम। ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसका इन्फेक्टर कितना आया। ठीक है बेटा, लिखो इसको। इतनी बात आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को यहाँ तक, लिखो इसको फटाफट। तो बेटा समझो, अब हम बात करते हैं फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। अब तुम्हारे हमने क्या क्या बता दिया, फॉर एलिमेंट बता दिया, क्या एलिमेंट का इन्फेक्टर कैसे निकालेंगे, एसिड का बता दिया, बेस का बता दिया, सॉल्ट का बता दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो सुनो बेटा, सबसे पहली बात कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सुनो, अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुम कहोगे कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट पे, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वो दूसरे में, एक से दूसरे में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है, वो एन फैक्टर होगा। ठीक है, अभी तुम्हें बताएंगे, टेंशन ना लें आप। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, तो मेरे बेटा मुझे बताओ ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अरे बेटा कब तक 9th 10th में पढ़े रहोगे, बताया सही है तुमने, लेकिन 10th के हिसाब से सेफ। अब सुनो क्या होता है इसमें, अगर मैं इसमें बात करता हूँ, जो यूज होना है आगे तक हमारे लिए, वो होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यह कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या था बेटा आपका, इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, या चार्ज बोल सकते हो इसको, चार्ज, या आपका क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लिखा Fe2+, और मैंने कहा कि मुझे Fe2+ का ऑक्सीडेशन करना है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सुनो, जब भी Fe2+ का ऑक्सीडेशन होगा वो Fe3+ में जाएगा, Fe2+ का जब भी ऑक्सीडेशन होगा वो Fe3+ में जाएगा। अब देखो यहाँ कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, वहां कितना है, +3, चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ आपका, चेंज कितने का हुआ, 1 का हुआ। और ये हुआ क्या, ये 2 से 3 में गया, इंक्रीज हुआ ना, तो ये हुआ क्या तुम्हारा, रिडक्शन हुआ, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ, उल्टा बोल दिया, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर कितना हो गया बेटा इसका, एन फैक्टर हो गया इसका 1। तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस, फेरस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेरिक। तो जब भी फेरस का ऑक्सीडेशन होगा वो फेरिक में जाएगा, एन फैक्टर हमेशा 1 होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि ऐसे लिखा हो, कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें ऐसे लिखा मिल जाए, तुम्हें यहाँ लिखा हुआ है FeSO4, कहा जा रहा है कि FeSO4 का ऑक्सीडेशन करो, और बताओ ये किसमें जाएगा। FeSO4 का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे वो Fe2SO4 होल थ्राइस में जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे पास यहाँ पर Fe पे कितना रहा होगा, 2+, सल्फेट पे 2-, तो ये +2, ये -2, यहाँ पर देखो Fe पे कितना होगा, +3, और ये आपका SO4 पे 2-, तभी तो बनेगा ये, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, आ रही है बात समझ में, तभी तो तुम्हारा ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ +2 था, और ये यहाँ क्या था, प्लस, जब ऑक्सीडाइज होगा इसका तो ये किसमें आएगा, +3 में आएगा। समझ गए यहाँ तक बात, तो ये क्या था, फेरस सॉल्ट था, और फेरस सॉल्ट का जब भी ऑक्सीडेशन होगा फेरिक सॉल्ट में आएगा, कभी भी SO4 का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी कितने का चेंज हुआ, 1 मोल इसमें कितने का चेंज हुआ आपका, 1 का चेंज हुआ, 1 मोल SO4 जब ऑक्सीडाइज हुआ तो कितने का चेंज हुआ आपका, 1 का चेंज हुआ, एन फैक्टर कितना आया, 1। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर डायरेक्ट लिखा है बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट नहीं भी लिखा हुआ, अगर फेरस सॉल्ट है, जब भी कोई भी फेरस सॉल्ट होगा, फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, वो हमेशा फेरिक में कन्वर्ट होगा। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा FeCl2,
जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा FeCl3। ये क्या था? फेरस क्लोराइड। ये क्या था? फेरिक क्लोराइड। तो फेरस सॉल्ट का जब भी ऑक्सीडेशन होगा वो फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, एन फैक्टर हमेशा वन होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई है तक बात? लिख लो इसको, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब सुन लो तुम मेरी, ध्यान से मोहर सॉल्ट को देखो, ध्यान से मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बेटा क्या था मेरे पास? मोहर सॉल्ट था NH4 होल टॉइस SO4.FeSO4.6H2O। तो कम मोहर सॉल्ट में कौन सी आयन थी बेटा? मोहर सॉल्ट में थी NH4+ थी, तुम्हारे पास SO4 2- था, Fe2+ था, SO4 2- था। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मोहर सॉल्ट रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, NH4+ से ज़्यादा कुछ नहीं बनता, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ना, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ Fe2+ का। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया? वन हो गया। तो याद रखना, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज ऑल्सो अ फेरस सॉल्ट। ये भी क्या था आपका? फेरस सॉल्ट था, और इसमें ऑक्सीडाइजेबल सिर्फ Fe2+ ही था। तो कितना हो जाएगा आपका? इसका भी एन फैक्टर वन होगा अगर रिडॉक्स रिएक्शन में है। आगे बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो और हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा SO2, जब भी SO2 का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा SO3 में। तो बेटा अब ध्यान से देखो, हमें सल्फर पे चार्ज निकालना है, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जिसका निकालना है उसको X मानोगे। क्या मानोगे? X। तो ये हो गया X प्लस, कितने ऑक्सीजन है? दो। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, हमेशा याद रखो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है ना। तो 90% के केसेस में ऑक्सीजन का -2 लेना है मुझे, बराबर रख दो जीरो के। एक्स कितना आया बेटा? एक्स आया +4, तो यहाँ पर +4 हो गया। यहाँ निकालो एक्स, तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, बराबर रखो जीरो के, कितना आया? +6, यहाँ +6 आ गया। कितने का चेंज हुआ? दो का चेंज हुआ। तो मेरे बेटा एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। खत्म बात। बस हुआ क्या था, ये ऑक्सीडेशन तो हुआ, 4 से 6 में चला गया। ऐसे यहाँ देखो, मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर SO3 2-। क्या था ये? ये था सल्फाइट। क्या था? सल्फाइट। जब भी सल्फाइट का ऑक्सीडेशन होगा, ये किसमें जाएगा? सल्फेट में। बोला नहीं जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए, सल्फाइट ऑक्सीडेशन होके सल्फेट में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ निकालना है मुझे सल्फर का, निकालना है एक्स मानो, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 3, एक ऑक्सीजन का -2, बराबर रख दो -2 के। एक्स कितना आ गया बेटा? एक्स आ गया आपका +4। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो, एक्स +4 -2 बराबर -2, एक्स इजिकल टू कितना आ गया? +6। तो कितने का चेंज हुआ बेटा? 2 का चेंज हुआ, एन फैक्टर 2 आ गया। तो अब इस बात में भी गार्ड बांध लो, क्या? कि जब सल्फेट सल्फाइट का ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमेशा सल्फेट में जाएगा। क्लियर हो गई अब तक बात? लिख लो इसको फटाफट। ठीक है बेटा, अब इधर देखो मेरी बात सुनो एक ध्यान से। तुमसे कहा ये गया, क्या कहा गया? कि तुम्हारे पास 1 मोल Na2SO3 है, इसका ऑक्सीडेशन करा तो किस में जाएगा? ये सोडियम पे तो Na+ से ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो ये जाएगा Na2SO4 के अंदर। अब इसमें कौन सी आयन थी? सोडियम की आयन थी, SO3 2- था। यहाँ पर भी क्या था? Na+ और SO4 2-। तो बेटा इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, पता है हमें इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और किसका ऑक्सीडेशन होगा? सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन होगा, प्लस फोर से +6 में जाएगा, एन फैक्टर 2 हो गया। तो कहा जाए कि जब 1 मोल Na2CO3 का ऑक्सीडेशन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है तक बात? लेकिन अगर यही बात तुम्हारी बोल दी जाए यहाँ पर FeSO3 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में जाएगा? अब देखो यहाँ कौन कौन से आयन है, यहाँ पर Fe2+ है, यहाँ पर SO3 2- है। क्या SO2+ का ऑक्सीडेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, तो वो किस में जाएगा एफ थ्री प्लस में। क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ये किस में जाएगा आपका एफ फोर टू माइनस में। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ टू एस ओ फोर होल थ्राइस। ठीक है बेटा, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड ये। तो अब ध्यान से देखो, जब एक मोल फेरस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कितने का चेंज आया, एक तो चेंज आया कब, जब ये एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस में गया, एक का चेंज यहाँ पर आया, और जब ये इसमें गया एस ओ फोर टू माइनस में, दो का चेंज यहाँ पर आया। तो टोटल चेंज कितना आया, हमें तो टोटल से मतलब है ना, ऑक्सीडेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आया, टोटल कितना इन्फेक्टर था, टोटल कितना था इसका इन्फेक्टर, इसका टोटल इन्फेक्टर था बेटा तीन। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बताई है मैंने तुम्हें, तुम्हें देखना है कि ऑक्सीडाइजेबल स्पेशीज कितनी है, एक है, दो है, तीन है, पचास है, कितनी है, और सबका फिर मुझे प्लस कर देना है। इन्फेक्टर बोला जाए, इलेक्ट्रॉन बोला जाए, एक ही चीज है, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रॉन को तुम इसमें इन्फेक्टर बोल रहे हैं, क्लियर हो गई यहां तक बात, लिख लो इसको, ये समझ में आपके आ गया होगा। और सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर कहानी के अगले मोड़ पे आते हैं, अगले मोड़ पे नहीं, अभी एक गली रह गई इसकी। तो वो क्या था हमारा, हमने यहां पर लिखा सी टू ओ फोर टू माइनस, क्या था ये, ये था आपका ऑक्सलेट आयन। अब सुनो बेटा, जब भी ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ये हमेशा जाएगा किसमें, सीओ टू में। अब यहां पर कार्बन पे निकालो कितना आ रहा है, टू एक्स प्लस चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू बराबर माइनस टू, एक्स इजिकल टू कितना आ गया बेटा, ये आ गया प्लस थ्री। सॉल्व करना, ये प्लस थ्री आ गया, यहाँ देखो एक्स टू माइनस टू बराबर जीरो, एक्स इजिकल टू प्लस फोर आ गया। तो कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, ये आपका चेंज हुआ, चेंज आया पर वन का, लेकिन कितने कार्बन है एक मोल में, दो है ना, तो कितना हो जाएगा टू, एन फैक्टर टू हो जाएगा। तो ये बात याद रखो, जब भी एक मोल ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज होगा तो चेंज कितने का आएगा आपका, टू इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, एन फैक्टर टू होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए जब भी ऑक्सलेट आयन से एक मोल सीओ टू बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, एक का। क्लियर हो गया तक बात, सी टू ओ फोर, और ये क्या हो गया आपका CO2, कोई डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है ना। अगर इसकी बात होगी तो इन्फेक्टर टू है, और अगर इसकी एक मोल की बात होगी तो इन्फेक्टर वन होगा, क्योंकि इसमें दो कार्बन थे, अभी यहां पर मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, यहां पर हम दो लगा देते हैं, तो दो से दो CO2 बनते हैं, तो टोटल चेंज इन्फेक्टर टू आता है, क्लियर है। अब अगले मोड़ पे आते हैं कहानी के, अगला मोड़ क्या था, अगला मोड़ था रिडक्शन। अब रिडक्शन पे आते हैं, रिडक्शन को देखते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा आपका K2Cr2O7। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Cr2O7 2 माइनस, इनफैक्ट ऐसे ही लिखूंगा मैं इसको हमेशा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बेटा, ये कैसा होता है, ये या ये कोई भी हो, ऑरेंज कैसा होता है बेटा, ये ऑरेंज होता है। जब भी इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे, जब भी इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे, एसिडिक मीडियम में, ठीक है ऐसे लिख दो खाली, तो ये हमेशा कन्वर्ट होगा सीआर थ्री प्लस में। कैसे पता, एक्सपेरिमेंट से पता, जब भी इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये सीआर थ्री प्लस में कन्वर्ट होगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, इसका निकालना है कितना आ रहा है, दो क्रोमियम थे टू एक्स, सात ऑक्सीजन थे, तो कितना आ गया आपका ये, या आपका आ गया माइनस टू, बराबर रख दो माइनस टू के, कितना आ गया ये टोटल, ये आपका आ गया टू एक्स इजिकल टू, टू एक्स इजिकल टू ट्वेल्व, एक्स कितना आ गया छः, तो यहाँ कितना आया बेटा प्लस सिक्स, यहाँ कितना है तीन, कितने का चेंज हुआ तीन का, टोटल कितना होगा, दो है, दो से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने का हो गया सिक्स, तो एन फैक्टर कितना हो गया सिक्स, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया आपका एम बाई सिक्स। एक चीज रह गई है, याद दिला देना मुझे लेक्चर के लास्ट में, बतानी है तुम्हें, ठीक है, ऑक्सीडेशन में एक रह गया था, अभी याद दिला देना मुझे, ठीक है बेटा, कितना हो गया ये m बाई सिक्स। तो ये बहुत बहुत पहुंचा हुआ क्वेश्चन है और बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये आपका नीट में, मेंस में, एबीटेक में, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है कि जब डाइक्रोमेट को तुम एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कितना होगा m बाई सिक्स, क्लियर है बेटा। तो याद रखना ये एक्सपेरिमेंट से आया था, लिया हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाला, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है हमेशा थ्री प्लस में,
भाई हुआ क्या, प्लस 6 से प्लस 3 में आया ना, तो ये हो गया रिडक्शन। क्लियर है बेटा, लिख लो इसको, रब कर दे रहे हैं हम। अगली कहानी पे आते हैं हम। अगली कहानी क्या थी, नेक्स्ट बात कुछ ऐसी थी बेटा, ध्यान से देखो, हमारे पास अगर यहाँ पर के एम एन ओ फोर है, या मैं इसको बोल सकता हूँ एम एन ओ फोर माइनस, ये क्या था, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये कैसा था बेटा, पर्पल। और जो मैं अभी यहाँ था ना, क्या था यहाँ पर आपका Cr3+, मान लीजिए ग्रीन कलर का Cr3+ ग्रीन होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज होता है। अब सुन लो ध्यान से, अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो ये Mn2+ में जाएगा। ये बेटा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तुम्हें दिमाग में रखना है, ये एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, Mn2+ में। अब देखो इस पे कितना आ रहा है, Mn पे माना x, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, बराबर रख दो -1 के, कितना आ गया +7, कितना आया बेटा +7, ये कितना था 2, कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ ना, और एक ही तो है यहाँ पर, तो 5 ही रहेगा, तो n फैक्टर कितना हो गया 1, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा m/1, 1 क्यों हो जाएगा यार, तुम बता नहीं रहे हो, कितना हो जाएगा 5। तो ये भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगली बात समझ में, जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करोगे, किसमें डालोगे, किसमें डालोगे एसिडिक मीडियम में, वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, +7 से +2 के अंदर, याद रखो अब ये, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। ये कैसा था, पर्पल था, ये कैसा था, कलरलेस, कहा गया कि पोटेशियम परमैंगनेट को डी कलराइज कर दिया, तो मतलब वो Mn2+ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बेटा, लिख लिया ये, मुझे पूरी उम्मीद है लिख ही लिया होगा। अगली कहानी पे आते हैं, देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट कुछ क्या था हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर वही था पोटेशियम परमैंगनेट MnO4-, देखो ये अगर आपका न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करता है, न्यूट्रल या फिर आपका वीक अल्कलाइन, वीक बेसिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, ठीक है। यहाँ पर कितना था बेटा, +7 था, यहाँ देखो X2 कितना था, 1 का -2 बराबर 0, X=+4 कितना आ गया +4, +7 से +4 में गया, कितने का चेंज आया, चेंज आया 3 का, n फैक्टर 3, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका m/3। तो याद रखो वीक अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में कितना है m/3 होगा इसका n फैक्टर, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, और n फैक्टर 3। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में है तो ये कन्वर्ट होगा आपका MnO4-, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट, ये मैग्नेट आयन है, ठीक है बेटा। यहाँ पर निकालो इसका X+4-2 बराबर कितना -2, X कितना आ गया इसका +6, +7 से +6 में आया, रिडक्शन तो हो गया, कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, n फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका m हो गया। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है अच्छे से कि ये एसिडिक में भी करता है, न्यूट्रल में भी करता है, वीकली बेसिक में भी करता है, स्ट्रांगली बेसिक में भी करता है, लेकिन डाइग्रोमेट सिर्फ और सिर्फ एसिडिक में करता है। क्लियर है बेटा, तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल भूलना नहीं है, जब MnO4 आपका एसिडिक में होगा तो एन फैक्टर कितना होगा 5, वीकली बेसिक में होगा एन फैक्टर 4, और जब आपका स्ट्रांगली में होगा एन फैक्टर 1। क्लियर, ऐसे देखो अगर मेरे पास यहाँ पर Cu2+ है, इसका रिडक्शन होगा ये Cu में जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर मेरे पास Al3+ है, ये रिड्यूस होकर Al बनेगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं, लिखो इसको फटाफट, ठीक है। मैं ये बता दे रहा हूँ जो रह गया था, एक ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंट था ये भी, इसको वहीं लिख लेना जगह हो तो। तो बेटा देखो ध्यान से, तुम्हारे पास अगर H2O2 है ना, H2O2 इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 में ऑक्सीजन पे -1 होता है, याद रखना। नॉर्मली मैं अगर बात करता हूँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे क्या आता है, -2 आता है, लेकिन अगर परऑक्साइड है तो परऑक्साइड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे -1 आएगा। कुछ कंपाउंड में परऑक्साइड बनता है, वो जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको तो वो ज़रूर बताएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इतना याद रखो। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा H2O में +O2 में, यहाँ कितना है 0, चेंज कितने का हुआ,
चेंज वन का हुआ, माइनस वन से जीरो में गया, इंक्रीज हो गया ना, माइनस वन से जीरो में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन है कितने, दो हैं, तो कितना आ गया आंसर, टू आ गया। तो याद रखना इसका इनफैक्टर टू होता है और इसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा m बाई टू होता है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ गई। इसमें देखो तुम निकाल के देख लो, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन का प्लस वन, इसका मुझे निकालना है x बराबर अब जीरो के, x इक्वल टू आ गया माइनस वन, परऑक्साइड में माइनस वन होगा, ये तुम्हें याद रखनी है। परऑक्साइड कौन बनाएगा, कितने परऑक्साइड होते हैं, वो तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन में हम बता देंगे, लेकिन यहाँ जिसकी ज़रूरत थी वो आपको क्लियर कर दिया गया। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, और जब तक ये नहीं आता होगा तब तक ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आ पाएगा, तो ये ज़रूर देखो, और जिसने मूल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है हमारा, मूल कॉन्सेप्ट ज़रूर देखे, और हाँ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा बेटा अब तो कर लो सब्सक्राइब, जितना तुम वीडियो को शेयर करोगे, जितना देखोगे उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। जितना मुझे लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा 11-12 का कोर्स आपका यूट्यूब पर डाल दूँ, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए अब जाओ, नोट ज़रूर बनाना और पढ़ के आना पूरा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।